वीरभूमि चित्तौड़गढ़ पे आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। और अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाला है मेवाड़ क्रिकेट टूर्नामेंट वीरभूमि चित्तौड़गढ़ में। सभी खिलाड़ी जो है वो आ गए हैं। उदयपुर बांसवाड़ा राजसमंद की सारी टीम जो है वो करीब करीब आ चुकी है और सभी टॉस करने के लिए सभी खिलाड़ी सभी तैयारी करते हुए सब एक दूसरे का आईडी वगैरह सब चेक करते हुए तो जल्द शुरू होगा क्रिकेट। ये 4 दिन का क्रिकेट टूर्नामेंट बहुत ही रोमांचक होने वाला है। बड़े उत्साह के साथ सभी खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं जोश क्रोश के साथ। और ये ग्राउंड है जहां पर जो है टीमें खेलेगी। तो डाकन कोटला और जासमा की टीम जो है वो खेलने वाली है। हाँ कमेंट्री कर दो यार, हाँ माइक की शूट नहीं करे। एक मिनट रहेगी, बाकी आप सभी बाहर निकल जाए। और मंगी राम जी और देवीलाल जी ग्राउंड में रहे और डाकन गोड़ा और जासमा की में कप्तान मिल रहा है। एक बार डाकन गोड़ा जासमा की में कप्तान डाकन गोड़ा जासमा की में कप्तान तो क्रिकेट टूर्नामेंट की पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है और अब लगातार जो खिलाड़ी है वो अपनी आईडी वगैरह चेक कराते हुए। तो साथियों बने रहे हैं यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें और इस क्रिकेट टूर्नामेंट का पूरा आनंद आप लेंगे। पहली बार वीरभूमि चित्तौड़गढ़ में क्रिकेट टूर्नामेंट क्षत्रिय और समाज के होने जा रहे हैं। करीब करीब 20 टीमें इस कार्यक्रम में जो है प्रतियोगिता में भाग लेने वाली है। भामाशाहों ने दिल खोलकर सारी व्यवस्थाएं यहां पर की गई है। पूरा जो गांव है यहां का पास में समाज का रिठोला गांव वो यहां पर मौजूद है। प्रतियोगिता में आदरणीय हमारे जमकू लाल जी और साहब का स्वागत अभिनंदन है। किस प्रकार का ये रोमांचक आयोजन होने जा रहा है और वीरभूमि चित्तौड़गढ़ में पहली बार? ये सबका प्रयास है, सामूहिक प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीरभूमि चित्तौड़गढ़ पे इस प्रकार का आयोजन होना बहुत ही अच्छी बात है और आप देखें लगातार जो है स्टेज के सामने से हट रहा है। अब धीरे धीरे जो मामला है वो इंतजार, अतिथि आते ही ये कार्यक्रम शुरू होंगे। तो बने रहे यूट्यूब चैनल के साथ, देखते रहे